तो मेरे भाई लोग आ गया हूँ सब कुछ सेटअप कंप्लीट करने के बाद। तो गाइस मेरा जो ब्लॉगिंग का सेटअप था पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड आज हम लोग जाएंगे गाइस सुभाष द्वीप पार्क। आज हम आप लोगों को प्रॉपरली दिखाएंगे पूरा सुभाष द्वीप पार्क वन बाय वन, मतलब हर एक चीज़ आपको दिखाएंगे। एंड बहुत दिनों से गया नहीं तो बहुत सारे चीज़ इम्प्रूव भी हुआ है, तो वो सारे चीज़ भी आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। चलते हैं ब्लॉगिंग शुरू करते हैं। आ चुके हैं अपने जो पार्क है इसी में, जो हमारा सुभाष द्वीप पार्क है, हमने बोला था हमारा पहला व्लॉग सुभाष द्वीप पार्क में होगा। और ये हमारा भाई मेरे साथ आया। तो यहाँ अंदर जाने से पहले कुछ चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे पिकनिक करना भी अवेलेबल है, तो उसके जो प्राइस है थोड़ा ज़्यादा है, वो तो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा क्या क्या प्राइस होते हैं पिकनिक करने का, पिकनिक कब करा जा सकता है, स्पॉट वगैरह में जो भी है वो डिटेल्स मैं आपको एंड में बता दूंगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। भैया गए हैं, देखो टिकट ले रहा है वो, हर एक आदमी अभी घूर रहा था, पता नहीं यार लोग क्या सोचेंगे, पहला व्लॉग है तो यार समझो थोड़ा। तो अभी हम बैक कैमरे से पूरा शूट करेंगे, अभी हम फ्रंट कैमरा नहीं दिखाएंगे। तो गाइस हम लोग ले चुके हैं दो टिकट, तो आते हैं यहाँ पे। पहले आपको टिकट यहाँ पे दिखाना होता है गेट पे, हम लोग दिखाएं, उसके बाद ये पर्ची फाड़ के दे देगा आपको रिटर्न में, ये आपके जेब में रख देना है। तो गाइस जैसे ही हम लोग पार्क में एंट्री लेते हैं तो पहले ही आ जाता है एक ब्रिज जो कि पूरा वायर से बनाया हुआ है, लोहे के वायर से, बहुत ही मजबूत है। हालांकि इसके ऊपर से गाड़ी वगैरह तो नहीं जा सकता है, लेकिन एक मोटरसाइकिल आराम से चला जा सकता है। तो ये जो ब्रिज है गाइस बहुत ही पुराना है एंड ये अभी तक मजबूत है। ब्रिज में चलते हुए आपको थोड़ा इल्यूजन महसूस होगा एंड थोड़ा डर भी लगता है। लड़की लोग अगर आते हैं तो हील अपना संभाल के रखिएगा। एंड यहाँ से गलती से भी गाइस पॉकेट से भी कुछ चीज़ें मत निकालना, क्योंकि यहाँ नीचे गिर गया तो मिलना मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी डोंट ट्राई दिस। उसके बाद ये ब्रिज ख़त्म होने के बाद भी यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं भागीरथी नदी है ये हमारा। उसके बाद एंट्री हमारा स्टार्ट होता है यहीं से। एंट्री करने के बाद आप देख सकते हैं राइट साइड में नेताजी के एक स्टैचू दिखेगा जो बाहर की तरफ इशारा करता है। यहाँ पे फ़ोटोशूट भी आप लोग कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ लोकेशन वगैरह। ये जो जगह देख सकते हैं आप, यहाँ पर बैठ के आराम से फ़ोटो या फिर खड़े होकर भी फ़ोटोशूट कर सकते हैं। यानी जो दूसरा गेट देखा वो एग्ज़िट गेट है, उससे एग्ज़िट के टाइम उधर से ही आपको एग्ज़िट होना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ लोग आपको ऐसे बैठे हुए दिखेंगे, तो अगर मन किया कुछ तो दे दीजिएगा। ये देखिए कैसे घूर रहा था, इसके बारे में पर्सनली कुछ कहना नहीं चाहता, अगर मन हुआ तो कुछ दे सकते हैं। यहाँ से गाइस देख सकते हैं आप दो रास्ते जाते हैं, लेकिन जो मेन रास्ता है वो लेफ्ट वाला है एंड ये राइट वाला जो रास्ता है ना, इधर से लोग एग्ज़िट करते हैं। ये रास्ता गाइस एंड तक जाता है एंड यहाँ पर कोई गाड़ी का व्यवस्था भी नहीं है कि हम उस पर चढ़ के जा सकें भाड़ा दे के, नॉट एंड फ्री। साइकिल भी नहीं है कि भाड़ा ले सकते हैं, विच इज़ बैड थिंग, देना चाहिए, अभी अपडेट होना चाहिए। लेफ्ट साइड में देख सकते हैं आप लोग हाथी वगैरह कुछ दिख रहा होगा। नज़ारा जो गाइस इस टाइम पे अभी बहुत ही खूबसूरत था, एडवेंचर का टाइम, ये और भी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड नेचुरल लगता है। ये तीनों जो आंटी देख रहे हैं ये हमारे कोई रिलेटिव्स नहीं है, बट वीडियो में बहुत देर तक ये लोग हमारे साथ दिए। अभी आप देख सकते हैं लेफ्ट वाले इलाके में हाथी और ज़ेब्रास हैं, तो इनके साथ बैठ के या फिर बच्चों को लेके मस्ती वगैरह कर सकते हैं, बट हाँ ज़ेब्रा के ऊपर मत चढ़ाना किसी को भी, ये टूट सकता है, फिर आप लोगों को ही देना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं सबसे पहला जो दुकान आएगा इस भाई का, तो ये भाई साहब की दुकान के पास ही लेफ्ट में रास्ता जाता है और पीछे को रहता है ये वाला सीन। ये जगह जो है पूरा खाली है, कुछ दिखाने लायक है नहीं, तो जाके टाइम पास मत करना। उसके बाद इस अंकल के पास तो बहुत सारा चीज़ है, चाहे तो कुछ भी खा सकते हो, बट हाँ प्राइस पूछ के ले लेना। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो भाई हमने कुरकुरे लेने के बाद हम आगे चल रहे हैं। ये जो लेफ्ट वाला एरिया देख रहे हैं, जब पिकनिक करते हैं तब ये वाला एरिया यूज़ कर सकते हैं फुल्ली फ्री। यस, यहाँ पे बैठ के अपने दोस्तों के साथ डीजे वगैरह के साथ डांस कर सकते हो फुल मस्ती। फिलहाल तो ये कोई पिकनिक वगैरह नहीं हो रहा है, वैकेशन भी होता है, शादी भी होता है यहाँ पे। इसके प्राइस के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, बट हाँ पिकनिक के बारे में एंड में बता दूँगा। ये भैया अभी कुरकुरे खाने में बिजी है।
तो गाइज ऑलमोस्ट 3 मिनट पैदल चलने के बाद आपको राइट साइड में देखने को मिलेंगे बच्चों का पार्क, जो कि नया किया है। पहले ये ऐसा कुछ भी नहीं था, रिसेंटली किया है, 2 साल हो गए होंगे शायद। उसके बाद आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कुछ टाइगर्स के एंड डियर्स के स्टैचू वगैरह हैं, जो बच्चों के मन बहलाने के लिए हैं। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें गाइस, तो बच्चों के लेके अगर आप लोग आते हैं तो बहुत मज़ा होता है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ लोग देख सकते हैं, बड़े बच्चे भी यहाँ पे खेल कूद सकते हैं, कुछ नहीं कहेगा कोई यहाँ पे, बट हाँ अपनी सेफ्टी अपने पास, यू नो व्हाट आई मीन। तो गाइस जहाँ राइट साइड में बच्चों का पार्क, उसी के लेफ्ट साइड में बच्चों के लिए एक ट्रेन का भी यहाँ पे नया व्यवस्था किया है पार्क वालों ने, जो कि काफ़ी अच्छा है। यह ट्रेन पहले पहले कभी कभी चलता था, कभी कभी नहीं चलता था, लेकिन अभी इसे अच्छी तरीके से रिबिल्ड किया गया है। एंड गाइस देख सकते हैं सीन जो है बहुत ही खूबसूरत है। एंड हाँ, ये सिर्फ बच्चों के लिए ही है। इसका प्राइस जो है गाइस 20 रुपीज़ पर हेड है। बच्चों का पार्क पीछे छोड़ाने के बाद आपको ऐसा लोकेशन देखने को मिलेगा लेफ्ट में, जो काफ़ी लुक को बढ़िया बनाता है। एंड ये स्टैचू वगैरह है मयूर का, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद उसी के ठीक राइट साइड में आप देख सकते हैं एक छोटा सा पुल है, तो इस पुल का पानी हमेशा गंदा ही रहता है, क्योंकि यहाँ मछली वगैरह छोड़ा हुआ है। ये नहाने वाला पुल नहीं है, मछली के लिए है, गहराई वहराई कुछ भी नहीं है। और ऊपर जो पत्थर वाले देख सकते हैं, वो एक पहाड़ टाइप का इसे मैन मेड बनाया गया है, जो काफ़ी अच्छा है। बचपन में हम लोग यहाँ पे फोटो वगैरह खींचते थे, फिलहाल कोई नहीं खींचता है। तो गाइस पुल को पीछे छोड़ाने के बाद सामने एक और आपको ऐसे खुले हुए मैदान मिलेंगे, जहाँ पे सिर्फ फोटो ही फोटो खींच सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ लाइट बहुत ही अच्छी तरीके से आता है, तो आराम से फोटो यहाँ पे बहुत ही अच्छा आता है। यानी पिकनिक करने आते हैं तो यहाँ पे भी आप लोग बैठ के पिकनिक कर सकते हैं, अच्छी जगह है, लाइट भी आती है। सामने एक छोटा सा आपको पार्क दिख रहा है, लेकिन वो पार्क में अभी कुछ भी है नहीं। विंटर के टाइम वहाँ पे फूल वगैरह लगाते हैं, तो उस टाइम पे खुलता है, अभी बंद है। गाइस देख सकते बच्चों का पार्क हम लोग फिर से छोड़ के आके दूसरा बच्चों का पार्क, तो यहाँ पे कुछ खाने के लिए है, खा सकते हैं गोलगप्पे, प्राइस पूछ लेना, लिखा हुआ भी रहेगा। यहाँ पे गाइस एक बड़ा सा दुकान है, जहाँ पे अच्छे अच्छे चीज़ें मिलते हैं, चाय वगैरह भी मिलते हैं, तो ये नया किया है, पहले नहीं था। उसके बाद गाइस आता है हमारा सबसे मेन पार्ट, वाटरफॉल। ये एकदम नया किया है एंड बहुत अच्छा है गाइस, ये देखने में एंड इसके यहाँ पे जो साउंड होता है अमेजिंग साउंड है गाइस, बहुत अच्छा लगता है। वाटरफॉल देख सकते हैं, सेकंड फ्लोर तक ऊंचा है, एकदम छोर के साइड से नीचे से बढ़ता हुआ जाता है एंड मिडिल में सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। इसका मैं आपको एक व्यू दिखा देता हूँ अभी। तो गाइस वाटरफॉल का सीन ख़त्म हो जाने के बाद हम थोड़ी और आगे जाएंगे, तो और हमें कुछ ज़्यादा खास देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं गाइस, तो यहीं तक ही रहे, यहाँ से अगर आप जाते हैं तो आपको कुछ खास देखने वाला नहीं मिलेंगे एंड साथ ही साथ आपका पूरा मूड भी ख़राब हो जाएगा। लेकिन गाइस जब हम लोग इतने दूर आ ही गए हैं, तो क्यों ना आपको थोड़ा सीन दिखाई देते हैं। सामने की तरफ कुछ भी नहीं होता है, लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में ऐसे ही खुले खुले जगह रहते हैं और पेड़ पौधे रहते हैं। उधर सामने देख सकते हैं कुछ लड़के और लड़की घूम रहे हैं, तो वो रास्ता जो है जाके सीधा एंड में मिल जाता है। इधर मेरे ठीक राइट साइड में भी देख सकते हैं कुछ लोग वगैरह हैं, तो यू नो व्हाट आई मीन, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उधर भी एक रास्ता है राइट साइड में भी ऊपर की तरफ, तो अभी हम जाएंगे उसी रास्ते से, हम लोग बैक करेंगे। लेफ्ट वाला सीन काफ़ी अच्छा है, फोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छा सीन होता है यहाँ पे, तो अगर आप फ्रेंड के साथ आते हैं फोटोग्राफी वगैरह करना चाहते हैं तो लेफ्ट वाला सीन पे जा सकते हैं। लेफ्ट वाले रास्ते आपको पीछे से मिल जाएंगे या फिर सामने जाके भी मिलता है। तो गाइस ये जो एरिया देख रहे हैं, ये वाटरफॉल के ऊपर के साइड का है, जो मैं उस टाइम नहीं दिखाया था। तो अब देख लो, ये एक पक्षीरालय है, तो यहाँ एंट्री फीस होते हैं 10 रुपये, अंदर चिड़िया वगैरह होते हैं, छोटा सा फिर से बच्चों के लिए पार्क भी है, तो बच्चों के लिए भरपूर मजे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। फिलहाल जो है गाइस बंद हो गया है पार्क, तो मैं आपको चिड़िया वगैरह नहीं दिखा पाया, हो सके तो नेक्स्ट टाइम आपको दिखाएंगे ज़रूर। तो गाइस अगर आप ऊपर के रास्ते से अगर आप आना जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ दुकान मिल जाएंगे, जो पहले मैंने बताया था बच्चों का पार्क, उसके पीछे ये वाला रास्ते से आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें एंड दुकान भी एक छोटा सा। तो
गाइस अभी आप देख सकते हैं हमने भी थोड़ा मजे वगैरह किए, तो आके अपने बचपन की यादें भी थोड़े ताज़े वगैरह कर सकते हैं। अभी हम एग्जिट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा हो चुका है क्योंकि इस टाइम पे बज रहा था घड़ी पे 5:30, तो अंधेरा हो जाता है तो ये वाला गेट बंद हो जाता है, तो इसी से अब हम लोग निकलेंगे। ओवरऑल अगर गाइस आप लोग मुझे पूछेंगे कि ये पार्क कैसा है, एब्सोल्युटली परफेक्ट है एंड आप आइए मजे लीजिए। बहुत ही बड़ा पार्क है, आपको घूमने का पूरा जायज़ा मिलेगा मेरे हिसाब से। आपको कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करके बताइए।